खिचड़ी होता है, वेज होता है पूरा, और कॉलीफ्लावर पकौड़ा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। आई होप हमारे सारे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतना सच सच के क्यों बैठी हूँ। तो आज है सरस्वती पूजा और हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। तो सरस्वती पूजा बेसिकली बहुत ही एक इमोशनल, मतलब बहुत ही अच्छा इवेंट है। इट्स लाइक बहुत बचपन में हमारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह सरस्वती पूजा सेलिब्रेट होता था, और उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग रेडी वेडी होके सब घूमने जाते थे दोस्तों के साथ। मतलब बहुत एक फ़न इवेंट होता था, और ये पूजा घर घर में और हर कॉलेजेस सब जगह सेलिब्रेट होता है। और शादी के बाद तो ये मेरा पहला सरस्वती पूजा है इस घर में, तो अब मतलब एक ये अलग ही फीलिंग है। कॉस्टम फिर से लेट, मैं तब से रेडी हो चुकी हूँ और वो एडिटिंग पर लगा हुआ था, तो देखती हूँ वो अभी क्या कर रहा है। आई होप, मैंने उसको बोला था कि रेडी हो जाने मतलब 11:30 तक, पर अभी 11:35 हो चुका है और अभी तक वो रेडी नहीं है। तो हमारे घर में सरस्वती पूजा इतना मतलब सिंपल वे में मनाई जाती है। हम लोग उतना कोई ग्रैंड नहीं करते हैं, लेकिन घर में फैमिली के साथ और मेरी माँ ही सारा पूजा कर लेती है। ओह फाइनली कोई तो रेडी हो रहा है, एज यूजुअल लेट। मैं तब से सुबह से रेडी होकर बैठी हूँ। सुबह से व्लॉग के लिए कुछ भी बोल दोगी क्या? नहीं, मैं तब से जस्ट बिकॉज़ मैं कुछ, तो गाइस को लगेगा तुम 5 बजे से उठ के रेडी हो। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये मेरा डिजाइन किया हुआ साड़ी मैं पहनी हुई हूँ, बिल्कुल हैंड वीव्ड ये सारा डिजाइन। সরস্বতী নমো নমো চরাচর সরি উচ্চ যুগ শোভিত মুক্তাহারি फाइनली हमारा पूजा हो चुका है। आज स्पेशल लंच बनता है जो कि है खिचड़ी और साथ में एक सब्जी, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि खाएंगे। हमारा सरस्वती पूजा स्पेशल लंच तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग का क्या क्या था लंच में, क्या क्या है। तो खिचड़ी होता है, वेज होता है पूरा, और कॉलीफ्लावर पकौड़ा, पापड़ और आचार। शाम के 6 बजे हम अभी यहाँ आ गए हैं घर पे, तो यहाँ पे कुछ देर रहेंगे। पहले हमने सोचा था बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर आज बहुत भीड़ होगा हर जगह, तो इसलिए हमने आज बाहर जाना कैंसिल कर दिया। हम घर पे ही चिल करेंगे फैमिली के साथ। तो अभी हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद देखते हैं डिनर में क्या खाएंगे। चाय मैंने बना के ब्रू के लिए रख दिया है। अभी हम सब चाय पी रहे हैं और ब्राउनी एज यूजुअल अपने ही जोन में है। अभी हम निकले थे कुछ सामान लेने, तो वो लेना हो गया है। कुछ कुछ घर का सामान था, मम्मी ने बोला था तो वही लिया। ले लिया। ओ हाँ, हमारा आयरन का जो प्लग पॉइंट खराब हो गया है, टूट गया है, वही लिया। मम्मी ने कचौड़ी के साथ जो सब्जी बनाई है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं एक दूसरा वाला सब्जी बनाऊँगी। अभी मैं बनाऊंगी दही के आलू, दही वाले आलू, तो वो बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कोई लेंथी रेसिपी बनाने का एकदम मन नहीं है। तो मेरा सब्जी बन चुका है, मैं कॉस्टअप को खिला के देखती हूँ ये कैसा बोलता है। आई थिंक ये बन चुका है टेस्ट टेस्ट। ये ट्राई करके देखो तो कैसा बना है। आई थिंक कुक हो चुका है, बट नमक के तो लग रहा हो गया। नमक का मुझे थोड़ा इश्यू होता है। ये है मेरी झटपट वाली सब्जी। अच्छी बनी। नमक डालना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, नमक मैंने वैसे भी कम डाला है।
थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा। तो मैं ऑफ कर देती हूँ ना, बंद। तो गाइस लग रहा है मम्मी पूरी बनाना स्टार्ट कर दी है, आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनने वाला है मुझे तो लग रहा है। चलिए ये है हमारा डिनर, जल्दी वाले आलू और पूरी। अच्छा अच्छा है। तो हमारा डिनर हो चुका है, तो हम अभी बैठ के बस ऐसे ही बातें बातें कर रहे हैं सब कोई। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे डिनर कर रही है और बाकी सबका डिनर हो चुका है। तो आज यहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, एडी को तो गर्मी लगना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो यहीं पे आज हम हमारा ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।